الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وسيدتنا حبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله السلام عليكم मेरे मोदी भाई और बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुरान की जो आयत मैंने तिलावत की है, जरा गौर करें कितना बड़ा एहसास अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। आप पहुँचिए तो पता चला कितना बड़ा एहसास। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत तुम्हें हमने पैदा किया है सारी उम्मतों में जो हमने बरकत लगाई। क्यों है बेहतरीन, फिर क्या खास बात है? क्या हम ऊना बिन मारूफ ही वतन हम ना दिन, यही वो खुशियत है जो हमको कुन तुम खैरा उम्मत बना। अल्लाह ताला सारी उम्मतों को वही पैदा किए, मगर आप जरा सोचिए रब्बुल इज्जत खालिक कायनात वो कहता है कि हमारी सारी उम्मतों में तुम बेहतरीन पैदा किए गए, सारी उम्मतों में हमें दे, मगर तुम सबसे बेहतरीन हो। वजह यही है कि तामरू न बिल मारूफ व तनहाऊ न बिल मुनकर। अब यहाँ सारी इस पर रुक जाए आप, तामरू न बिल मारूफ तनहाऊ न बिल मुनकर, तो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बड़े बड़े मिशनरीज हैं, वो लोग भी अच्छाई सिखाते हैं बुराई से रोकते हैं, मगर शर्त क्या है वहाँ पर? तू मिनून बिल्लाह, तुम वो हो जो अल्लाह पर ईमान रखते हो। अब जब आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क्या मकसद हुआ इसका? कि अल्लाह को आप अपना रब मानते हैं। रब कौन होता है? जिसके सामने आप पूरी तरह झुक जाते हैं, हर हुक्म उसका मानते हैं, किसी हुक्म से टरता भी नहीं कर सकते। ये मामला आपका मेरा और हर किसी का, हमारी पैदाइश से पहले अल्लाह ने आसमानों में हमसे अहद लिया था। कुरान में आप पढ़ते हैं आपको मालूम भी होगा, फिर मैं याद दहानी करता हूँ आपको मेरे भाइयों। وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ। हमने आदम से उनकी सारी सुर्ख को पैदा किया, ये आसमानों में मुकाम नौमान जहाँ अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर जब हाथ फेरा तो उनकी हर 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 औलाद निकल आई जो क़यामत तक पैदा होगी, और उस औलाद को खड़ा करके अल्लाह ने उनसे अहद लिया। वह अशहद अला अनफुसिहिम, मैं तुमसे ये गवाही लेता हूँ तुम अपनी जात से, तुम्हारी क्या गवाही ले रहे हैं अल्लाह से? अल्लाह रब तुम, क्या मैं तुम्हारा रहूँ? सबने क्या जवाब दिया? खालू बला, बेशक आप हमारा शहीद ना अंतफुलू यौम क़ियामत। देखो तुम गवाह रहो क़ियामत के दिन ये नहीं करना, इन कुन्ना अनहदा गाफिल, हमको ये पता नहीं था। आप मैं जितने यहाँ बैठे हैं, जितने गुजर गए हैं, जितने आने वाले हैं, ये सब वहाँ मुकाम नौमान पर अल्लाह सुबहानों के हुदूर में खड़े होकर हमने ये इकरार किया कि बेशक आप हमारा है। और जब हमने इकरार किया तो अल्लाह ने अपने इरादे से जिनको जब चाह दुनिया में भेज और उनको आज़ादी दी कि चाहे उसको रब मानिए ना माने,
जो रब माने वो मोमिन का है और जो इनकार किया वो काफिर। अब जब आप मोमिन हो गए तो आपने अल्लाह से अहद कर लिया कि अब दुनिया में आकर भी मैं तुझे रब मानता हूँ और तेरे हुक्म पर ही चलूँगा। एक कानून रात का होता है 11 बजे दुकान बंद कर देनी है तो आप खामोशी दुकान बंद कर देते हैं, खुली नहीं रखते, क्यों? जुर्माना हो जाएगा, खाली दुनिया का छोटा सा नुकसान है और वो अथॉरिटी जो कल मुर्दा हो जाएगी उसकी बात मान रहे हैं। एक इंसान जो कल मर जाएगा उसका कानून हम बराबर मान रहे हैं, उससे खौफ कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून फरमानी चाहिए हमें जेल देता है कि अल्लाह सुबहानों को रब माने और फिर उसके कानून के खिलाफ फर्जी करें। मुनासिब बात है, आप अपने बाप की तकरीम करते हैं पर बाप की नाफरमानी कर सकते हैं, बाप वो भी मर जाए, वो भी आप जाएगा मिट्टी में, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, मगर बाप की तकरीम होती है, उसकी फरमा बरदारी की जाती है। तो अल्लाह ने इंसान को खुली छूट दे दी दुनिया भेजकर कि चाहे मुझे तुम रब मानकर मेरी इताअत करो या मेरी नाशुकरी करो या मुझसे दूर हो जाओ या कुफर करो, अब उसका बदल आपको मिलेगा। क़यामत के दिन कुफार बड़े उद पेश करेंगे, अल्लाह ताला का जवाब क्या होगा? आप पढ़े कुरान, अगर आप कुरान को मानो तो पढ़ के कुछ थोड़ा तवज्जो दें, ये सारी चीज़ें मौजूद है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम, ऐ मुनकिरो आज तुम बहाने मत बनाओ, इन्नमा तुज़ज़ौना मा कुंतुम तअमलून, आज तुम्हें वही लिया जाएगा तो तुम करके आए हो। इस आयत के बाद ही मुसलमानों को इतना प्यारा सबक है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मेरे बल्लो मैं जानता हूँ तुम गुनाह का करो गुनाह होंगे तुमसे, मगर तौबतन नसूहा। तौबतन नसूहा क्या चीज़ है? वो तौबा जिससे नसीहत हासिल हो। ऐसी नहीं तौबा के बाद अल्लाह ने हमें पी लिया था माफ़ कर दे, फिर दो दिन के बाद फिर पी लिया फिर माफ़ कर दे, ये तौबा नहीं होगी। तौबा वो है जो नसीहत हो। आप अपने बड़ों से सुने ना, एक मरतबा तुमने गलती की उसका तुमने किनियादा भुगता, क्या तुम्हें अभी भी नसीहत नहीं हुई इससे? यही कहते हैं ना, मैंने तुमको बताया गया तुम नसीहत की गई, तुम उसका नुकसान उठा चुके, इसके बावजूद भी तुम्हें भी नसीहत नहीं हुई। अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि आज तुम जब तौबा करो तो ऐसी तौबा करो कि तुम इस बुराई से बच जाओ। फिक्र हमारी सारी कोशिशें दुनिया के लिए होती हैं, बुरा नहीं मानिए, हमारे बाप दादा जो थे ना उनके जहन में हमारा नसब लाइन क्या था, बच्चा मेरा पढ़ ले लंदन बुझाए डिग्री ला, कथन मेरा बच्चा नमाज भी पढ़े कुरान भी पढ़े, हाँ अच्छी तरह से कुरान के समझने वाला भी बने, घर में उस्ताद नहीं माँ को बुलाया जाता है, लड़की को कुरान दूर पढ़ाते, लड़की को कुरान दूर सिखाते, लड़के पढ़े न पढ़े कोई फर्क नहीं, वो किसी मस्जिद में जाए कोई उस्ताद फ्री पढ़ा तो वहाँ पढ़े, मगर उस्ताद ही माँ को पैसे देकर घर में बुलाकर कुरान पढ़ा देते। अब वो उस्ताद नहीं आते तो मुझे याद है हमारी खाला वगैरह को पढ़ाते थे अली इलाम मीनो अली इलाम मीम, उसके पीछे बोलते थे ला लिखल किताबो ला लिखल किताबो ला रे बफी अब चले। अब आप देखिए उर्दू जबान कितनी करीब है अरबी से, उसको पढ़ाना सिखाया तो एक माना नहीं बता रहेगा, एक माने ने सिखाए तो एक चीज नहीं बताई। अंग्रेजी जबान उसके अल्फाबेट्स यानी हुरूफ उसका प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ बिल्कुल अलग था,
अरबी में तलफ़ुज़ वही करते हैं, इदराक अलीफ दाल रे अलीफ का माने भी वही हैं उर्दू में और अरबी में। अक्ल माने भी हुए हैं, लिखा भी वैसे आते प्रोनाउंसिएशन में। ये जबान जब सिखाई गई हमें तो कोई माँ बाप ने किसी फैमिली ने तवज्जो नहीं दी कि भाई इसके साथ माने सिखाओ ताकि बच्चा पढ़ते हुए कुरान को समझे। मगर जब यूरोप की जबान सिखाई गई अंग्रेजी तो सी ए टी कैट कैट के माने आर ए टी रैट रैट के माने चूहा। मैं आपको हाइपोथेटिकल मिसाल देता हूँ। एक बाप अपने बच्चे को दो उस्ताद रखा है, एक अंग्रेजी हिसाब मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ाते हैं और एक अरबी पढ़ाते हैं। उन अरबी को उस्ताद मुझे मुस्ताद बच्चा क्या पढ़ रहा है, सातवां बारह पढ़ रहा है। बाप खुश हैं, चलते जा रहे हैं पारे, एक लफ्ज नहीं बेटे साहब एक लफ्ज समझ ही नहीं सक रहे, बस पारे खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाली प्रोनंसिएशन कर रहे हैं, हुरूफ और तलफ्फुज़ बस। अच्छा, इसके बरखिलाफ अंग्रेजी के मास्टर साहब अगर खालिद को पी ए टी क्या है आर ई टी राइट और माने ना बताएं और बाप कभी बच्चे का इम्तिहान ले बोले बेटे तो अंग्रेजी पढ़ के दिखाओ मेरे को, पढ़ा सी ए टी क्या है माने क्या है बेटे, मौलवी साहब नहीं बताए मेरे को, तो बाबा अपना कोई अहम काम भी है तो छोड़ के बढ़ जाते। मौलवी साहब आए तो उनका हिसाब लूँगा कि बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, अंग्रेजी क्या सिखा रहे हैं। आते पूछे मौलवी साहब आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं बच्चे को सी ए टी कैट आर ए टी रैट यही मालूम, उसको तो मान तो कुछ भी नहीं मालूम। अरबी के मुसाब सी एन एम के मुसाब बच्चा जो पढ़ रहा है अरबी समझ नहीं रहा है। अब मैं खुद आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे अरबी पढ़ाई है वो महल्ले की मंजिल के किसी मुस्ताद के पास हमने पढ़ी। मैं अंग्रेजी में तकरीर करता हूँ, खुतबा देता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं अरबी में कर सकता हूँ